हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन इनसाइट फैमिली। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑन इनसाइट्स विद आदर्श। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्लास नाइन्थ को आप लीनियंटली ले सकते हो बिकॉज आपके जो बोर्ड्स हैं दे आर गोइंग टू हैपन इन क्लास टेंथ। बहुत सारे लोग इवन ये भी कहते हैं क्लास नाइन्थ का जो सिलेबस है इट इज इररिलेवेंट गोइंग टू द हायर क्लासेस। तो इन सारी बातों को आज हम डिसप्रूव करते हुए आपको बताएंगे व्हाई क्लास नाइन्थ कैन बी अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू बी इन द फ्यूचर। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन फॉर टुडे। Guys, in class 9th, you are going to start learning some important things. Very first of these important things is decision making. अभी तक क्या होता था, क्लास 8 तक आप नॉर्मल स्कूल लाइफ जीते थे जहां आपको सुबह जाना होता था, दोपहर को आना होता था और इवनिंग टाइम में आप खेलने जाते थे और इस पूरे टाइम के बीच में आप पढ़ाई भी करते थे और साथ में दोस्तों के बहुत ही वंडरफुल मेमोरीज भी होंगी आपकी, राइट। बट क्लास नाइन्थ में क्या होगा, आपको अपने डिसीजंस खुद लेना सीखना होगा बिकॉज क्लास नाइन्थ विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन योर नॉर्मल स्कूल लाइफ एंड यू बीइंग मैच्योर इनफ टू टेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ व्हिच आर गोइंग टू शेप यू इन व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। Now guys, the second most important thing about class 9 is it is the stepping stone for class 10th and all of you know class 10th mein boards aane wale hain. To jo class 9th ka syllabus hota hai, most of these things are used in class 10th aur wo bhi complex problems mein. To agar aap class 9th mein properly padhai nahi karoge तो क्लास टेंथ में कहीं ना कहीं आपको या तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे या तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं सो इट कैन बी बिकॉज आपने क्लास नाइन्थ में नहीं पढ़ा था। सो इफ यू वांट टू एक्सेल इन क्लास टेंथ बोर्ड्स इट इज अ मस्ट दैट यू स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम क्लास नाइन्थ बिकॉज क्लास नाइन्थ इज द स्मॉलर स्टेज, the smaller step for you to step forward and prove yourself on the big stage. Now guys, the second most important thing about class 9th syllabus is that आप जब क्लास 9th की साइंस पढ़ोगे और क्लास 10th की साइंस पढ़ोगे you will feel like ये चीजें कुछ मैच नहीं हो रही, इनमें कुछ सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, जो मैंने 9th में पढ़ा था वो मैं 10th में इतना यूज नहीं कर रहा हूं। एग्जैक्टली आप नहीं करोगे बिकॉज आप अगर जब सीनियर क्लासेस में जाओगे 11, 12 में देन यू विल रियलाइज कि आपने जो 9th में पढ़ा था इट इज इन सिंक विद क्लास 11th सिलेबस एंड द थिंग दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th दैट इज इन सिंक विद द 12th सिलेबस। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इफ यू स्टार्ट स्टडीइंग वेल फ्रॉम क्लास 9th you will be doing very well in class 10th and if you have done well in these two classes it will be easy for you to do well in 11th and 12th. So the syllabus hai ye pure synchronized hai. Most of the people think ki ye jo 9th ka hai wo 10th mein nahi mil raha to wo isliye nahi mil raha kyunki wo usse bhi upar ka soch ke banaya gaya hai. So if you start studying from class 9th you are going to excel up to 12th. So, आप सोचो कितना इंपॉर्टेंस है क्लास 9th में पढ़ाई और अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी को अच्छे से मेंटेन करना। Now guys, a very important thing that you are going to learn in class 8 is that you will see कि आपको फ्यूचर में जो भी बनना है उसके लिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। So it gives you a glimpse into your future. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पहले से सोच लेते हैं कि मुझे IAS officer बनना है, मुझे software engineer बनना है, कुछ लोगों को IPS बनना होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपना business run करेंगे। So इन सारी चीजों के लिए आपके पास एक basic skill set होना चाहिए। उसके बाद जो senior classes होंगी उसमें आपके पास advanced level के skill set आएंगे। But जो basic skill set होता है
उस स्किल सेट को आप सीखोगे इन क्लास नाइन्थ. स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास नाइन्थ यू विल बी लर्निंग ऑल ऑफ दैट. सो क्लास नाइन्थ गिव्स यू अ वेरी क्लियर पिक्चर व्हाट यू कैन बी. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हो सकता है एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग ना हो बट they have a very bright future in sports. तो sports में कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या possibilities हो सकती हैं, ये सारी चीजें आपको class 9 से समझ आना start हो जाएंगी. And जब आपको ये सारी चीजें समझ आना start हो जाएंगी, then you can take your decisions कि आप क्या करो कि आप उस field में आगे निकल जाओ. बहुत सारे बच्चों को cricketer बनना होगा, footballer बनना होगा. So all of you will start realizing what I should do now so that in future I can become a footballer or a cricketer or a businessman or an IAS officer as per what you want to be. So class 9th gives you a glimpse into your future as well. Now guys, starting from class 9th for the very first time, the child inside you will start taking the back seat and the mature you will be coming on the front seat. So kya hoga, abhi aap bahut sari nayi cheeze seekhoge aur un nayi cheezon mein aap galtiyan bhi karoge. Everyone is bound to make mistakes. So abhi aap galtiyan bhi karoge, but most important thing is that you start learning from those mistakes. You will fall, but you have to make sure that every time you fall, you stand up back again stronger than the last time. आपको गिरना है, फिर से खड़े होना है, mistakes करनी है, mistakes से सीखना है. But most importantly, इन सारी life processes के बीच में आपको बहुत सारे अच्छे से दोस्त मिलने वाले हैं और आप कुछ ऐसी मेमोरीज बनाने वाले हो जो कि आपको पूरे लाइफ टाइम तक याद रहेंगी. सो गाइज, क्लास 9th इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ योर लाइफ. अगर वहां पे आप अपना स्ट्रेटजी मेकिंग, टाइम प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, देन यू कैन हैव अ वंडरफुल लाइफ एज वेल एज यू कैन बी व्हाटएवर यू वांट टू बी. Hey there, I hope you liked the video. I hope you understood the importance of class 9. So guys, if you want such content coming up, hit the subscribe button and do like this video. Thank you for your time.